हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका भी और बैक डॉक्टर चैनल में। गाइस, मैं डॉक्टर लोगन स्वागत करता हूं आपका इस एपिसोड में। और आज हम जानने वाले हैं आर्टिटनस इंजेक्शन को किस तरह से रेडी करना है और ये किस काम आता है। देखिए, ये इंजेक्शन जो होता है एंटी मलेरियल ड्रग है सबसे पहले। दूसरा, इस ड्रग को आपको घर पर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो केवल मेडिको के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है और जो मेडिकल फील्ड से रिलेशन रखते हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सपायरी डेट देख लेनी है और दोनों की। इसमें देखिए, एक एम्पल होता है और एक डिस्टिल वाटर आता है, स्टाइल वाटर आता है और इसके साथ में एक वायल आता है जिसके अंदर इंजेक्शन आपका अर्चनेट होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि आपको क्या मिक्स करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंजेक्शन हमने निकाल लिया है और अब हम इसको वाइल देख लेते हैं। वाइल और एम्पल देख लेना है और इसका जो स्ट्रा वाटर है वो भी देख लेना है। एक्सपायरी तीनों की देख लेनी है, चेक कर लेनी है। हमारे पास एक स्टाइल डिस्पोवेन है, सुई सिरिंज है, इसे हम ओपन कर लेंगे। इसकी भी एक्सपायरी देख लेनी है हमें और अब हम इसे ओपन करेंगे। देन उसके बाद में हमें एम्पल का जो फ्लूड है, ध्यान ये रखना है आपको, एम्पल में जो फ्लूड है सबसे पहले आप उस फ्लूड को मिक्स करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो एम्पल है, एम्पल का फ्लूड आपको वाइल में सबसे पहले मिक्स करना है। ये हमने इसका एक परत थी वो हटा दी। देन उसके बाद में हम इसे अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से तोड़ना है, आपके हाथ में नहीं लगे। और आप चाहें तो इसको जो निडल ब्रेकर होता है, जो एम्पल ब्रेकर होता है, आप उससे भी इसे तोड़ सकते हैं। मैं यहाँ से इसमें से फ्लूड निकाल लेता हूँ और इस फ्लूड को निकालने के बाद मैं देख लेना है कि थोड़ा बहुत रह तो नहीं गया और इसको हम वाइल के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। ये हमने इसको इसमें लोड कर देते हैं वाइल के अंदर, जो जिसके अंदर आर्टिजनेट इंजेक्शन ड्रग है। गाइस, फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आपको, ये टेक्निक घर में किसी भी पेशेंट को या घर पर किसी भी तरह की इस प्रक्रिया को यूज ना करें, क्योंकि एंटी मलेरिया ड्रग्स थोड़े हैवी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन इनका बहुत हैवी होता है। आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है डाउनवर्ड स्ट्रोक देने के बाद में या क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और ये आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। जब आप इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है, जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हमें इसमें से जो स्टिल वाटर है वो निकालना है। और अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा कि इसे एम्पल को सबसे पहले क्यों मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको यही छोड़ूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है बट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों करते हैं। आप सर्च मारना या कहीं ढूंढना या किसी को पूछना। करेक्ट आंसर अगर आपको ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं आपको 101% बताऊंगा कि ये जो एम्पल है सबसे पहले क्यों मिक्स किया जाता है। और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो के बारे में भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और ये जो हमने स्टिल वाटर लिया है, इसके जो एम्पल था जो पानी वाला, उसको हमने निडल उससे सिरिंज से वायल के अंदर इंजेक्ट कर दिया, यानी कि अब हम इसे फिर से मिक्स करेंगे जैसे हमने एम्पल को मिक्स किया था। हम इसको फिर से मिक्स करते हैं और ये हमारे पास मिक्स हो जाएगा थोड़ी देर में और उसके बाद हम पेशेंट को देंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना आर्टिजनस इंजेक्शन को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से रेडी करते हैं। बट फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप इस टेक्निक को घर पर यूज न करें प्लीज़। और घर पर आर्टिजनस या मलेरिया या किसी भी तरह की मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के आपको नहीं देना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर ऑल इन वन के नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सेंड कर दी है।
और फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हो सकता है ये चैनल मुझे कुछ दिनों बाद बंद करना पड़े। तो मैं आपको मिलूंगा मेरे दूसरे चैनल पर, मेरा दूसरे चैनल का नाम है डॉक्टर ऑल इन वन के नाम से। वहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।